हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर इस लेक्चर में हमें कवर करने हैं सिटीज़ ऑन दी बैंक्स ऑफ रिवर्स जितने भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं वो हिस्टोरिकल पर्स्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट रहे हों या करंट uh, कोई ना कोई सिग्निफिकेंस रखते हों और एग्जामिनेशन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी रिवर uh, के बैंक पर यानी तट पर स्थित हैं उनको हमें कवर करना है सो so, एक uh, पूरी जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स हैं इंडिया में उन सबको देखते हुए स्टेट वाइज कैटेगराइज करते हुए सिटीज देखेंगे और लास्ट में मिसलेनियस कैटेगरी भी करेंगे ठीक है तो सबसे बड़ा जो रिवर uh, सिस्टम है या जो रिवर बेसिन है इंडिया में एरिया वाइज दैट इज़ गंगा उससे शुरुआत करते हैं एंड गंगा कितने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को एनकम्पास करती हुई या कवर करती हुई बहती है इलेवन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इसमें इसकी ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज सब शामिल हैं राइट सो यानी सहायक नदियाँ एंड लाइक दैट सो ये इलेवन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कौन से हैं इफ़ यू आर एबल टू सी दिस मैप अटल यहाँ देख लीजिए बहुत क्लियर नहीं है मैप बिकॉज इसमें रिवर्स भी मार्क्ड हैं बट स्टिल का ओरिजिन होता है उत्तराखंड से राइट सो सबसे पहले उत्तराखंड उसके बाद उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड झारखंड के से, से जा रही है फिर वेस्ट बंगाल, उसके बाद में ये छत्तीसगढ़ देन मध्य प्रदेश देन इधर राजस्थान हरियाणा दिल्ली यूनियन टेरिटरी कवर हो जाता है हिमाचल प्रदेश राइट right? ये सारे स्टेट्स हैं जिनमें की गंगा का पूरा रिवर बेसिन है सो इलेवन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन ऑल ओके सो एक बार यहां देख लेते हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान दिल्ली हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश पूरा रिवर बेसिन गंगा का यहां तक स्प्रेड आउट है ओके नाउ विल बी टेकिंग वन स्टेट एट अ टाइम सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की अच्छा उत्तराखंड में सिटीज पे मूव करें उससे पहले पंच प्रयाग जहां पे भी दो नदियों का कॉन्फ्लुएंस होता है वहां उसको आ, उस जगह का सिग्निफिकेंस हो जाता है बहुत ज्यादा सो so, ऐसे उत्तराखंड के अंदर कॉन्फ्लुएंसेस हो रखे हैं यानी मिक्सिंग होती है नदियों की उनको कहते हैं प्रयाग पंच प्रयाग ठीक है पांच ऐसे पॉइंट्स हैं और कौन कौन से हैं अगर आपने लाइक मैं बार बार माई का मैंशन नहीं करूंगी मैं मान के चलती हूं, आपने नहीं किया है. चलो सो so, विष्णु प्रयाग नंद प्रयाग कर्ण प्रयाग रुद्र प्रयाग एंड देव प्रयाग विष्णु नंद कर्ण रुद्र देव इस तरह से आप ये पांच प्रयाग याद रख सकते हैं प्रयाग का मतलब समझ में आ गया ये ऐसे पॉइंट है जहां दो नदियां आकर के मिलेंगी अब अभी मैं वापस करवाऊंगी अभी सिर्फ सुन लो सो so, uh, सबसे एक इंपॉर्टेंट नदी है इन पांचों प्रयागों में दैट इज अलकनंदा रिवर कौन सी रिवर है अलकनंदा रिवर और ये जो अलकनंदा रिवर है ये स्टार्ट होती है बद्रीनाथ के भी थोड़ा पहले से ऊपर से होती है बट देन आप बद्रीनाथ पकड़ के चल सकते हैं सो so, um, बद्रीनाथ से यहां से निकल रही है अलकनंदा नदी जो ब्लू लाइन है ये पूरी अलकनंदा है यहाँ तक इसके बाद इसको गंगा नाम दे दिया जाता है ठीक है अलकनंदा रिवर है अभी अलग अलग जगह अलग अलग रिवर्स से मिलती है और कोई ना कोई प्रयाग बनाती है सबसे पहले आएगा विष्णु प्रयाग जिसमें अलकनंदा और धौली गंगा मिल रहे हैं धौली गंगा फिर आएगा नंद प्रयाग जिसमें अलकनंदा और नंदा मिल रहे हैं फिर आता है कर्ण प्रयाग जिसमें अलकनंदा और पिंडार गंगा मिलते हैं पिंडार रिवर भी बोलते हैं इसको फिर आएगा रुद्र प्रयाग जिसमें अलकनंदा और मंदाकिनी मिलते हैं एंड देन देव प्रयाग जिसमें अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं और फिर ये आगे गंगा के नाम से फ्लो होती है ठीक है सो so, ये जो विष्णु नंद कर्ण रुद्र देव ये पांच प्रयाग आपको याद रखने और इनमें कौन कौन सी रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस हो रहा है ये भी आपको याद रखना है ठीक है तो अभी देख लेते हैं जो मैंने आपको अलकनंदा रिवर बताई कि बद्रीनाथ के भी थोड़ा पहले से एक ग्लेशियर से निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर बोलते हैं उसको जस्ट इन केस यू वॉन्ट टू नो आपको यह नहीं लगना चाहिए कि मैम बताएं नहीं आगे से कहां से निकलती है सो सतोपंथ सतोपंथ ग्लेशियर है यहां से अलकनंदा रिवर स्टार्ट होती है कौन सी अलकनंदा और ये फिर आगे अलग अलग रिवर्स से जुड़ती है और गंगा कहां से निकलती है गंगोत्री से निकलती है ठीक है गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होती है ओके चलिए तो अब हमें याद रखना है करना है विष्णु प्रयाग के अंदर धौली गंगा और अलकनंदा अलकनंदा तो कॉमन है तो देख लीजिए विष्णु जी थे सांवले ब्लू कलर में दिखाते हैं ना माइथोलॉजी के अंदर और लेकिन यहां पे धौली गंगा का अलकनंदा से मेल हो रहा है ठीक है तो धौली मतलब फेयर गोरा फिर आते हैं नंद प्रयाग तो नंदाकिनी मिल रही है सेम सिंपल हो गया कर्ण प्रयाग तो यहाँ पे पिंडार रिवर मिल रही है अलकनंदा से तो कर्ण प्रयाग कर्ण मतलब कान है ना तो कान में पिन डालते हैं ना इयर पहनने के लिए पिन से छेद करते हैं ऐसा हिंट ले लीजिए फिर रुद्रप्रयाग तो यहाँ पे मंदाकिनी अलकनंदा से मिल रही है तो आ, रुद्रप्रयाग के लिए मंदाकिनी मेरे पास कुछ हिंट नहीं है ऐसा आप ये देख सकते हो कि जो मैन होता है वो बहुत रुद्र होता है फीमेल होती है कंपेरटिवली शांत होती है ऐसा होता नहीं है वैसे बट सलाप याद रख सकते हैं ठीक है और देव प्रयाग पे भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं और फिर गंगा की तरह आगे जाते हैं तो गंगा को इसलिए हम कहते हैं कि बी पास है हिंट है ये गंगा क्या है गंगा बी पास है यानी कि भागीरथी और अलकनंदा इससे मिलते हैं और फिर गंगा बनती है ओके okay, और भागीरथ जी ने माइथोलॉजी में कहते हैं ना भागीरथ जी ने आह्वान किया था गंगा का तब गंगा जमीन पर आई थी तो उससे आप भागीरथी और अलकनंदा ध्यान रख सकते हैं देव प्रयाग ओके okay? सो so, विष्णु नंद कर्ण रुद्र देव ये पांच आपको प्रयाग ध्यान रखने हैं अब हम आते हैं सिटीज पे उत्तराखंड की अगर हम सिटीज की बात करें तो बद्रीनाथ जहां से अलकनंदा जी आ ही रही हैं तो अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों गंगा नदी पे है ठीक है तो गंगा नदी जब पहाड़ों से उतर के थोड़ा नीचे की साइड आती है तब ये हरिद्वार और ऋषिकेश पड़ते हैं तो गंगा नदी के किनारे ये तो पता होगा हरिद्वार ऋषिकेश है ना चलिए फिर हम आते हैं उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे कौन कौन से सिटीज हैं तो ये सब गंगा के किनारे हैं और ये सब यमुना के किनारे हैं यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा यानी कि यमुना सहायक नदी है गंगा की यहाँ से गंगा जी जा रही हैं ठीक है थीके? और बिल्कुल साथ ही साथ ऑलमोस्ट पैरेलल चलती चलती यमुना जी आती है और फिर ये प्रयागराज में यानी अलाहाबाद में संगम करते हैं है ना चलिए सो so, गंगा के किनारे हैं मिर्जापुर कन्नौज वाराणसी कानपुर मिर्जापुर कन्नौज वाराणसी कानपुर तो मिर्जापुर सीरीज है, है ना तो मिर्ज़ापुर के अंदर बहुत स्लैंग लैंग्वेज यूज की गई है तो उसके लिए आप कर सकते हो कि गंगा जी के किनारे और इतनी स्लैंग लैंग्वेज तो कान पकड़िए कान पकड़िए ठीक है और बनारस तो गंगा जी के पास पता ही है तो बस मिर्जापुर में इतनी फाउल uh, लैंग्वेज का इस्तेमाल है कि हमने बोला कान पकड़ो तो मिर्जापुर कान से कन्नौज और कानपुर दोनों आ जाएगा और कानपुर के अंदर लेदर फैक्ट्री भी है तो पानी की जरूरत पड़ती है ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं और वाराणसी बनारस गंगा का घाट है ही आरती होती है गंगा आरती एंड ऑल दैट सो ये सारे एसोसिएट हो जाएंगे गंगा जी से क्लियर है चलो फिर हम आते हैं यमुना यमुना नदी के किनारे है इटावा आगरा मथुरा इटावा आगरा मथुरा uh, यहाँ दिखा सकती हूँ मैं आपको अगर आप थोड़ा सा क्लैरिटी लेना चाहेंगे इससे ज्यादा जूम नहीं होगा ओके नो प्रॉब्लम सो देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना यूपी का यहां पड़ता है मथुरा आगरा और इटावा मथुरा और आगरा राजस्थान से शेयर करते हैं बाउंड्री और इटावा एम से करता है ठीक है चलिए वापस आ जाते हैं सो so, अब आगरा में है ताजमहल और ताजमहल के पीछे यमुना नदी पता है ये चीज ठीक है मथुरा में यमुना थी मथुरा में कृष्ण जी वाला वो पूरा एपिसोड मथुरा वृंदावन और यमुना नदी यमुना काली काली राधा गोरी गोरी राधा कृष्ण की पूरी लीला वहीं पे हुई है तो ये भी पता होगा बस इटावा ध्यान रखना है आपको इटावा तो मथुरा आगरा इटावा ये तीनों यमुना नदी के किनारे हो जाएगा ठीक है जी चलो फिर हम आते हैं बाकी नदियां उत्तर प्रदेश में ये सब जो नदियां हैं ये ट्रिब्यूटरीज ही हैं गंगा की ओके तो गंगा रिवर सिस्टम की ही सारी नदियां अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में और हैं अलाहाबाद प्रयागराज आप लिख देते हैं यहाँ पे प्रयागराज है ना तो यहाँ पे संगम होता है गंगा यमुना और विलुप्त तो हो चुकी सरस्वती का और सरस्वती को वापस जीवित करने के लिए अभी पूरी परियोजना यानी पूरा एक एमओ साइन हुआ है कौन सी दो गवर्नमेंट्स के बीच में हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा सरकार के बीच में ठीक है सो गंगा यमुना सरस्वती का कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद प्रयागराज उसके बाद देख लीजिए अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है सरयू ये तो पता होगा राम जी वाली पूरी रामायण में भी सरयू में लास्ट में जाकर के राम जी आ, आ, क्या बोलते हैं पानी समाधि लेते हैं और न्यूज में भी बहुत रहता है फिर जौनपुर और लखनऊ गोमती रिवर के किनारे हैं है ना यहाँ तो आई थिंक नहीं बना हुआ होगा तो गोमती इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा अः जैसे कि यमुना ट्रिब्यूटरी है गोमती भी ट्रिब्यूटरी है याद रखेंगे आप ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं तो अः सरयू नदी हो गया है गोमती कैसे याद रखेंगे कुछ लोगों is always on the go. कुछ लोग का ना लक इज ऑलवेज ऑन द गो कुछ लोगों का लक इज ऑलवेज ऑन द गो के जो भी करें वो जो भी करें जिसमें भी हार्थ डालेंगे जो भी करें उनका लक एकदम शाइन करता है लक इज ऑलवेज ऑन द गो और कुछ लोगों का बहुत डिफिकल्ट होता है तो जो भी करें उनका लक इज ऑलवेज ऑन द गो आप चाहें तो ये थोड़ा सा हिंट यूज कर सकते हैं उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ वो गोमती पर है ये तो बहुत पिक्युलरली याद कर लीजिए ठीक है और लक जो भी करें तो लक उनका चल जाता है तो जौनपुर भी साथ में जोड़ लीजिए लखनऊ के साथ में फिर आते हैं हम गोरखपुर गोरखपुर बोलते हैं ना गोरख धंधा भी बोलते हैं गोरखपुर भी बोलते हैं तो राप्ती नदी के किनारे है ये राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर सो तो गोरा गोरा ले सकते हो अगर आप चाहें तो अगर आप चाहें तो या फिर आप रख भी गो रख चाहें तो ये भी ले सकते हैं गोरा से कैसे कर सकते हो जो गोरे लोग होते हैं यानी जो फिर अंगी होते हैं वो बहुत रैपिंग शैपिंग में बिलीव करते हैं गोरा ही नहीं ब्लैक भी इनफैक्ट करते हैं बट देन याद करने के लिए आप चाहें तो हिंट ले सकते हैं राप्ती से आप रैप ले सकते हैं सीधा करना चाहें तो बेटर होगा ये हिंट बहुत स्ट्रांग नहीं है सो so, यहाँ तक अलाहाबाद संगम ठीक है उसके अलावा लखनऊ जो राजधानी है यूपी की वो गोमती पे है और जौनपुर भी गोमती पे है और गोरखपुर किस पे है राप्ती पे है ओके फिर हम आते हैं बिहार गंगा रिवर सिस्टम का ही बिहार में कौन कौन सी सिटीज बसी हुई हैं तो देखते हैं गया गया जो है वो कौन सी नदी के किनारे है फालगू या निरंजना फाल्गू या निरंजना तो जब आप गया जाते हो तो आप अपना अज्ञान फॉल करते हो छोड़ते हो वहां पे अज्ञान को फॉल करवा दो और ज्ञान लेकर के आ जाओ अलग निरंजन का ज्ञान लेकर के आ जाओ तो फॉल करवाया आपने गया में जाके अपना आ, सारा नॉन तो फाल्गू याद रख सकते हैं पटना बिहार की राजधानी पटना गंगा नदी के किनारे ही है ठीक है जी यूपी की राजधानी लखनऊ गोमती के किनारे है बिहार की राजधानी पटना गंगा के किनारे है मुंगेर नदी भी गंगा के किनारे है तो जब गंगा नदी बहुत पोल्यूटेड हो जाती है मूंगे के मूंगिया कलर की दिखती है मूंग की दाल देखिए छिलके वाली जो ग्रीनिश एल्गी जैसा कलर होता है वो होता है मुंगिया है ना तो मुंगे जैसी दिखती है तो मुंगेर गंगा नदी पर है मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी के ऊपर है बूढ़ी गंडक तो मुसफ़र से आप चाहें तो मुसाफिर ले सकते हैं जब इंसान मुसाफिर होता है तो हम बोलते हैं ना हम जिंदगी के मुसाफिर हैं ऐसे ही बूढ़े हो जाएंगे हम नहीं बोलते बुजुर्ग बोलते हैं सो so, बूढ़ा और मुसाफिर एसोसिएट कर लीजिए बूढ़ी गंडक याद रहेगा ओके okay? सो so, बिहार की राजधानी पटना कहाँ है गंगा के किनारे है उसके अलावा मुंगेर मुंगे के रंग का गंगा का पानी हो जाता है पोल्यूशन से गया फॉल करा दो तो फाल्गू हो गया और मुसाफिर बूढ़ा तो बूढ़ी गंडक ठीक है सो फार सो गुड राइट मूविंग ओवर टू वेस्ट बेंगाल वेस्ट बेंगाल के अंदर गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली गंगा से निकल करके आगे जाती है वो और फिर गंगा वेस्ट बेंगाल फरक्का बराज के आगे जाकर के पदमा कहलाती है फरक्का बराज इज द पॉइंट उसके आगे पद्मा बन के जाती है और यहीं से एक ब्रांच नीचे चली जाती है डिस्ट्रीब्यूटरी जो हुगली कहलाती है, है ना सो कोलकाता एंड हावड़ा दोनों हुगली नदी पे पॉपुलर है पता होगा कोलकाता हावड़ा फरक्का जो है यहां गंगा ये यह गंगा के किनारे फरक्का बराज भी है यहां पे फरक्का इज ऑन द रिवर्स ऑफ गंगा ठीक है बाकी दोनों हुगली हो गए ओके फिर हम आते हैं मध्य प्रदेश में सो so, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो दो नदी हैं चंबल एंड शिप्रा चंबल एंड शिप्रा दीज आर ऑल्सो द ट्रिब्यूटरी जैसे चंबल की अगर हम बात करें तो चंबल यमुना की ट्रिब्यूटरी हो जाती है ना ये सब याद नहीं करना रिवर वाला मैम अलग से पढ़ाएंगे जोग्राफी में अभी के लिए हम ये याद रखते हैं ग्वालियर चंबल उज्जैन शिप्रा उज्जैन शिप्रा नदी ये पता है चार महाकुंभ जो होते हैं कहां कहां होते हैं कौन कौन सी नदी पे होते हैं अभी देखेंगे तो उनमें से एक महाकुंभ होता है उज्जैन में एक प्रयागराज में होता है अलाहाबाद में तो गंगा यमुना सरस्वती का संगम हो गया एक होता है उज्जैन में उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे शिप्रा नदी पॉपुलर बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो इनमें ट्रिक टेक्निक डालनी नहीं है सीधे सीधे रखो इसको दिमाग में ओके ग्वालियर चंबल तो देखो ग्वालियर फोर्ट फेमस है चंबल के डाकू फेमस है बाकी चीजें भी फेमस है पर चंबल के डाकू भी है ना तो ग्वालियर फोर्ट को चंबल के डाकुओं ने हाईजैक कर लिया है किडनैप कर लिया अपने अंडर में ले लिया जैसे भी आप वर्ड यूज करना चाहें तो ये दोनों हो जाएंगी कोटा चंबल नदी मध्य प्रदेश राजस्थान दोनों में शेयर होती है सो कोटा चंबल चंबल से आप चाहें तो कंबल भी ले सकते हो आप चंबल के डाकू भी ले सकते हो सो so कोटा इज ऑल्सो ऑन चंबल रिवर धौलपुर इज ऑल्सो चंबल सो राजस्थान में दो सिटीज हैं चंबल के किनारे जो इंपॉर्टेंट हैं एक तो कोटा जो एजुकेशन के लिए जाना जाता है बहुत सी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग और मेडिकल के बच्चे बहुत तैयारी करते हैं वो चंबल नदी के किनारे हो गया और धौलपुर तो चंबल के जो डाकू हैं वो ढोल बजाए जा रहे हैं शोर किए जा रहे हैं राइट चलिए दिल्ली यमुना नदी के किनारे पता है ओके यहां तो कोई तकलीफ आ रही है नहीं आ रही चले आगे फिर हम आते हैं गंगा रिवर सिस्टम हमारा हो गया है खत्म बट आई रियली वंडर आपको मैंने अभी तक कैसे नहीं आया ये हो सकता है आगे आएगा नो प्रॉब्लम चलिए चलिए सो गंगा रिवर सिस्टम हो जाता है खत्म जितनी भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ गंगा नदी या उसकी ट्रिब्यूटरी या डिस्ट्रीब्यूटरी के किनारे थे वो हमने कवर कर लिया अब हम चलते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम पे ब्रह्मपुत्रा एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है यानी कि शुरू होती है तिब्बत से तिब्बत से होते हुए फिर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है अरुणाचल और असम में बहुत हुई नीचे बहती है ठीक है यहाँ से स्टार्ट हुई या, यालंगजांगपुर नाम से शुरू होती है फिर एंटर हुई एंड यहाँ आकर के ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है ठीक है So, कौन से दो स्टेट से गुजरती है अरुणाचल प्रदेश एंड असम वेरी सिंपल अरुणाचल एंड असम से ये पास ऑन होती है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं तो देखिए असम की हम बात करें डिब्रूगढ़ गुवाहाटी लखीमपुर ये सब ब्रह्मपुत्र ठीक है so, सो डिब्रूगढ़ गुवाहाटी असम गुवाहाटी असम लखीमपुर अब ये जो सादिया है सादिया टाउन सादिया प्लेस इज ऑन लोहित रिवर लोहित इज अ ट्रिब्यूटरी लोहित इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ uh, ब्रह्मपुत्र ठीक है तो ये सब आप ध्यान रखेंगे कि असम के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं एक्सेप्ट सादिया सब ब्रह्मपुत्र पे सादिया इज ऑन लोहित ओके तो सादा इंसान ना जो बहुत सिंपल लोग होते हैं सादे लोग होते हैं हर चीज़ आराम से दे देते हैं उनके दिमाग में नहीं चलता रहा मुझे मेरे लिए बचा के रखना चाहिए बोलते हैं ना बड़े भोले हैं हर चीज़ दे देते हैं बांट लेते हैं। तो सादा इंसान हर चीज दे, दे देता है ले लो 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 आप यूज कर लो हम बाद में कर लेंगे ठीक है चलिए फिर हम आते हैं इंडस रिवर सिस्टम यानी कि सतलज नदी प्रणाली के ऊपर इट इज़ ऑल्सो अ ट्रांस रिवर शुरू कहाँ से होती है तिब्बत से होती है और ट्रांसबाउंड्री है तिब्बत से और उसके बाद एंटर करती है इंडिया और फिर एंटर करती है पाकिस्तान ओके okay? तो कौन कौन से स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज स्टेट या यूनियन टेरिटरीज से गुजरती है लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल पंजाब फिर बाहर निकल जाती है ओके okay? सो so, लद्दाख जे पंजाब हिमाचल ये चार स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को क्रॉस करती है इंपॉर्टेंट सिटीज देख लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की बात करें तो लेह लद्दाख की कैपिटल लेह जो है वो इंडस के किनारे है झेलम okay. शिकारा है ना तो झेलम श्रीनगर इज ऑन रिवर बैंक ऑफ झेलम फिर हिमाचल की अगर हम बात करें तो देखो एक बार अगर इनकी थोड़ी सी ट्रिब्यूटरीज का आपको अंदाजा होगा सीक्वेंस का तो आप बेटर दिमाग में रख सकते हैं देखो इंडस की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं सो so, झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज ये पांच ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की ओके okay? मैंने क्या बोला था सतलज रिवर सिस्टम बोला था ना स्टार्टिंग में इंडस में सिंधु सिंधु नदी प्रणाली आई डोंट नो मैंने सतलज तो नहीं बोल दिया था आई डो नॉट रिमेंबर सो इंडस को हिंदू में सिंधु कहते हैं सिंधु नदी कहते हैं ना तो झेलम चेनाव ये इसी कैटेगरी के अंदर है कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी नॉर्थ साइड में कौन सी साउथ साइड में इन पांचों ट्रिब्यूटरीज़ में से सीक्वेंस साउथ टू नॉर्थ कैसे याद रख सकते हैं सब्र सब्र बोलते हैं ना हम पेशेंस सब्र तो सब्र चैन चेनाब के लिए है ये चैन झेलना झेलम के लिए है झेलना सबके बस की बात नहीं है ठीक है सब्र और चैन झेलना सब्र हो आप में चैन हो आप में बहुत डिफिकल्ट है आज की जनरेशन के लिए पर्टिकुलरली वी वांट एवरीथिंग फास्ट राइट तो सब्र और चैन झेलना सबके बस की बात नहीं है इंडस रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज याद करवा देता है सतलज ब्यास रावी चेनाब झेलम दीज आर द फाइव ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस ओके okay? अब अगर इसमें आप देखेंगे तो ब्यास हिमाचल में ये ये तीनों आपको हिमाचल से ओरिजिनेट होती हुई दिखेंगी रवि ब्यास सतलज सो so, जिसमें ब्यास के ऊपर है कुल्लू मनाली हिमाचल में हिल स्टेशन है कुल्लू एंड मनाली सो so, कुल्लू मनाली कौन सी नदी के किनारे हैं या वहां से कौन सी रिवर बहती है सो इट इज़ ब्यास ब्यास तो so, देख लीजिए आप वहां बिल्कुल बास नहीं आती बास यानी ओडर है ना बिल्कुल बास नहीं आती एकदम फ्रेश जगह है कुल्लू मनाली चले जाओ हिमाचल में है ना सो so, ब्यास नदी आप याद रखेंगे और पंजाब में जो लुधियाना है वो सतलज के किनारे है सतलज लुधियाना है ना तो लुधियाना सतलज तो अगर आपको फिर भी हिंट चाहिए लुधियाना सतलज में तो आप ऐसे कर सकते हो लुधियाना में ध्यान मुझे ध्यान आ है ना मैं ध्यान आ तू की की सी राइट तो मुझे ध्यान है हमारे बड़े बुजुर्गों को ना बड़ा पता होता है कि सतयुग में ये ये हुआ करता था आजकल तो घोर कलयुग है पहले ये हुआ करता था तो बुजुर्गों को सतयुग का बड़ा ध्यान रहता है जिए या नहीं जिये बट ध्यान बहुत रहता है सतयुग में क्या क्या हुआ था सो so, अजी सानू ध्यान आ कि होंदा सी सतल सतयुग है ना तो लुधियाना सतयुग से सतलज ये हिंट काम कर जाए तो ले लो नहीं करे तो सीधे याद कर लो सो so, पंजाब लुधियाना सतलज ब्यास कुल्लू मनाली और श्रीनगर झेलम और ले इंडस चलिए जी फिर हम आते हैं महानदी कहाँ है ये महानदी ओडिशा वाली साइड शाब सो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से ये बहती है और फिर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है और यही महानदी है जिसपे की चिलिका लेक है ना वो आगे जाकर के यहाँ पे चिलिका लेक बनती है चलिए सो so, महानदी की हम बात करें तो उड़ीसा में इसके किनारे है कटक कटक इज एन इंपॉर्टेंट सिटी महानदी के किनारे एंड uh, इसमें तो कुछ याद कराने जैसा है नहीं कटक ओडिशा याद रहेगा और छत्तीसगढ़ के अंदर रायपुर जो इसकी कैपिटल है छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर महानदी ठीक है जी ओके एक रायचूर भी हम पढ़ेंगे अभी बाद में पढ़ेंगे जब कृष्णा और तुंगभद्रा नदी की बात होगी कृष्णा नदी तुंगभद्रा रिवर तो रायचूर होगा कन्फ्यूज मत कीजिएगा ये रायपुर है छत्तीसगढ़ की कैपिटल ये है महानदी यहाँ महानदी है वेसिनेटी में और वहाँ दूसरी रिवर्स हम पढ़ेंगे फिर हम आते हैं गोदावरी थोड़ा साउथ में मूव करते हैं ये रही गोदावरी ये जा रही है ठीक है सो दिस इज महाराष्ट्र तेलंगाना और आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ये नदी होती हुई जाती है कौन कौन सी रिवर्स हैं, सिटीज हैं तो महाराष्ट्र में नाशिक नाशिक गोदावरी पे है नासिक कहा है गोदावरी पे कैसे याद रखेंगे अच्छा मैंने यहां मेंशन किया हुआ गॉड ले लीजिए गोदावरी के लिए तो नाश होने से बचाते हैं या फिर नाशिक जो मैंने आपको बताया था महाकुंभ एक महाकुंभ प्रयागराज हमने देखा एक हमने कहाँ देखा उज्जैन देखा एक है नाशिक कहा है जी नाशिक नाशिक गोदावरी और एक है हरिद्वार गंगा ठीक है तो ये कुंभ महाकुंभ के जो चार प्लेसेस हैं जहां माना जाता है कि जब असुर और असुर देव और असुरों के बीच में वो अमृत मंथन चल रहा था तो अमृत की चार बूंदे चार जगह जा करके टपक गई थी और वो चार ये प्लेसेस हैं तो एक है प्रयाग अलाहाबाद एक है हरिद्वार गंगा नदी यहाँ पे कौन सी नदी है गंगा यमुना सरस्वती यहाँ पे गंगा उज्जैन शिप्रा और नासिक गोदावरी ये याद रखेंगे आप बिल्कुल और ये चारों जगह के नाम भी याद रखेंगे तो गौड़ गोदावरी के लिए आप गौड़ ले लीजिए गौड़ नाश नहीं होने देते तो नासिक गोदावरी पे है फिर तेलंगाना की बात करें तो रामगुंडम रामगुंडम राम राम गॉड का नाम है गॉड का नाम है तो रामगुंडम गोदावरी आंध्र प्रदेश में राजा मुंद्री, राजा राजामुंद्री तो राजा को भी प्रजा गॉड ही मानती है मानती है ना तो राजा राजामुंद्री भी गोदावरी ये तीन सिटीज गोदावरी के किनारे आ जाती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट महाराष्ट्र तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश तीन इंपॉर्टेंट सिटीज हैं ठीक है ठीके? याद रहेगा करना ही पड़ेगा ऑप्शन कहाँ है चलिए जी आ जाते हैं कृष्णा नदी ये रही गोदावरी के नीचे अच्छा गोदावरी को दक्षिण गंगा भी बोलते हैं बिकॉज सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया का इंडिया की बात करें तो ठीक है फिर हम आते हैं कृष्णा तो ये रही कृष्णा कौन कौन से स्टेट से होती हुई जा रही है सो so, यहाँ पे महाराष्ट्र कर्नाटका तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश चार से महाराष्ट्र कर्नाटका तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश ओके okay, तो ये प्लेसिंग देख लिया आपने अब हम सिटीज देख लेते हैं चलिए सो so, महाबलेश्वर पुणे के पास जो हिल स्टेशन है महाबलेश्वर सो so, कृष्णा नदी की वहां से जाती है सो so, महाबल था कृष्ण जी में तभी तो चिटकी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया था है ना सो so, महाबल किस में है कृष्ण जी में है तो महाबलेश्वर कृष्णा नदी पे है ओके okay, कर्नाटका की बात करें तो रायचूर ये आ गया वो रायचूर जो मैं कह रही थी तो रायचूर में ऊपर तो जाती है कृष्णा नदी तुंगभद्रा नदी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर ओनली तो तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच में पड़ता है रायचूर तो ऊपर कृष्णा है नीचे तुंगभद्रा है बीच में हम बैठे बैठे रायचूर रहे हैं क्रश कर रहे हैं वी आर चूरिंग द राई रायचूर कहाँ है कृष्णा एंड तुंगभद्रा के बीच में ठीक है हम्पी हम्पी साइड कहाँ है ये तुंगभद्रा के किनारे है तो तुंग भद्रा अगर किसी के हम्प हो हम्प होता है ना हम्प वेल होती है जैसे एच यू एम पी हम अगर किसी के हम्प हो तो तंग आ जाए ना इंसान हम्प है कुछ लोगों के होता है बॉडी में डिफॉर्मिटी होती है तो बस हम्पी तुंगभद्रा आप याद रखेंगे फिर हम आते हैं आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में ये सब कृष्णा नदी के किनारे हैं कौन कौन है विजयवाड़ा मछलीपट्टनम गुंटूर अमरावती श्रीशैलम और जो कुरनूल है कुरनूल तुंग भद्रा के किनारे है ठीक है तो पहले ये देख लेते हैं विजयवाड़ा कृष्ण महाबलवान थे ना महाबलेश्वर हमने देखा था कृष्णा नदी तो विजय मिलेगी हर जगह कृष्ण जी को मिली ना कहीं हारे कृष्ण जी नहीं हारे फिर मछलीपट्टनम माचलीपट्टनम या मछलीपट्टनम जो भी बोले मछली बोल देते हैं हम तो कृष्ण जी बहुत बार कालिया नाग से लड़ने के लिए कभी कूद रहे हैं यमुना में कभी कुछ तो मछली और कृष्णा जी को एसोसिएट कर लो कैसे भी कर लो मेरे लिए मेरे पास इसका बहुत अच्छा एसोसिएशन अच्छा है गुंटूर कर सकते हैं गुंटूर की मिर्च है ना चिली के लिए फेमस था ना तो कृष्ण जी ने गुंटूर की मिर्च क्या ओ हो, हो बहुत मिर्ची लगी चलो कृष्णा नदी का पानी पी लेते हैं ओके okay? देन अमरावती कृष्ण जी की पूजा करो कृष्णा नदी में डुबकी लगाओ कुछ भी तो अमर हो जाओगे ऐसे याद रख सकते हैं फिर श्री सैलम श्री कृष्णा श्री कृष्णा सीरियल भी आता था मूवी भी है कार्टून वार्टून की तो श्री सैलम श्री कृष्णा से श्री सैलम कृष्णा नदी आप याद रखेंगे फिर कुरनूल कुरनूल के लिए तुंग भद्रा कोई कुरकुरे खा रहा हो अकेले कुर 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 कर कुर करके कुछ कुछ खाए जा रहे हो तो शेयर कर लो या बंद कर लो ठीक है तो कुरकुर -कुर, तुंग भद्रा तंग होने से तुंग भद्रा ठीक है जी आते हैं कावेरी पे कावेरी फर्दर ये रही कावेरी ये रही साहब ठीक है सो कर्नाटका एंड तमिलनाडु कर्नाटका एंड तमिलनाडु से पास होती है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं मैसूर कावेरी पे है श्री कावेरी पे है ये श्री सैलम नहीं है श्री इसमें भी आ रहा है पर सैलम नहीं है श्री सैलम कृष्णा पे है श्री कावेरी के ऊपर है तो कावेरी को एक फीमेल की तरह आप देख सकते हो कावेरी किसी गर्ल का नाम हो तो मैसूर सिल्क की रंग बिरंगी साड़ी पहनी हुई है उसने कावेरी एक कावेरी किधरी कि, कितनी सुंदर मैसूर सिल्क की साड़ी पहनी है तुमने इतनी रंग बिरंगी किधर से लिए है ना तो कावेरी ने मैसूर सिल्क की रंग बिरंगी साड़ी ली है श्री रंग पटना तमिलनाडु की बात करें तो तिरुचिरापल्ली जो मेरा मुझे बहुत पसंद है बोलना तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु ये कावेरी नदी पे है और एक और है थंजवूर थंजवूर ये भी कावेरी पे है ये सीधे सीधे बिठाना पड़ेगा ओके जी राइट सो right. so, ये हो गई मेजर रिवर्स एक इंडस को अगर आप हटा दे तो बाकी सारी ईस्ट फ्लोइंग थी बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर रही थी अब हम आते हैं नर्मदा के ऊपर नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है है ना मध्य प्रदेश में और जाकर के अरेबियन सी में गिरेगी ये ठीक है सो यस so, yes. कौन कौन से स्टेट से मूव कर रही है मध्य प्रदेश एंड गुजरात so गुजरात से नर्मदा होकर के जाती है एमपी के अंदर ये सारे सिटीज़ हैं जो नर्मदा के किनारे हैं नर्मदा के लिए हम हिंट ले सकते हैं. नर्मादा, नर्मादा अर्धनारीश्वर रूप ले सकते हैं मैन एंड वुमेन मैन मैन एंड वुमेन नर्मदा ये ले सकते हो आप इसमें से जो जो आपको पहले से पता हटा दीजिएगा जो नहीं पता याद करेंगे जैसे जबलपुर जबलपुर सो so, जबलपुर के लिए क्या था नर्मदा है तो जब भी जबलपुर के लिए मेरे पास कोई हिंट नहीं है सीधे याद रखना पड़ेगा जबलपुर आई नथिंग नर्मदापुरम जिसको होशंगाबाद भी बोलते हैं ये आपको पता है नर्मदापुरम नर्मदा नाम में आ रहा है महेश्वर ओंकारेश्वर अमरकंटक अमरकंटक की पहाड़ियों से ही निकलती है तो अमरकंटक नर्मदा याद रखना डिफिकल्ट नहीं है महेश्वर और ओंकारेश्वर ये दोनों शिवजी के नाम है और शिवजी का ही एक रूप होता है अर्धनारीश्वर का रूप है ना शिव और पार्वती मिलकर के बनाते हैं तो नर मादा का रूप है महेश्वर का ओंकारेश्वर का भी ऐसे करके आप नर्मदा याद रख सकते हैं और जबलपुर के लिए जब भी मन करे नर और मादा बाहर निकाल सकते हैं यू कैन डू एनी आई डोंट नो यू हैव टू लर्न इट लाइक दैट फिर हम आते हैं गुजरात भरूच अच्छा बाहर यहाँ भी ले सकते हो भरूच जो है वो नर्मदा नदी के किनारे है सो so, गुजरात का भरूच वन इम्पॉर्टेंट साइट नर्मदा ओके okay, फिर हम आते हैं मिसलेनियस पे अब जो भी सिटीज़ हैं जो कि इन मेजर रिवर्स पे नहीं है कुछ और छोटी छोटी रिवर्स पे बसी हुई हैं उनको देख लेते हैं इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है गुजरात की अगर हम बात करें अहमदाबाद गांधीनगर दोनों साबरमती पे हैं ये तो पता होगा अहमदाबाद गांधीनगर ठीक है वडोदरा बरोड़ा जिसको वडोदरा भी बोलते हैं व से वडोदरा व से विश्वामित्री विश्वामित्र जी के ऊपर विश्वामित्री वडोदरा विश्वामित्री नदी पे है सूरत क्या सूरत है क्या सूरत है क्या सूरत है और हम तप गए ये गाना सुन सुन के और यहाँ से इंसेक्ट भी आ गया okay, late night recording, मच्छर so, uh, सूरत सूरत वाला ये गाना सुन सुन के हम तप गए हैं या फिर आप धूप में घूम रहे हो सूरत से आपका मुंह तप गया है सो सूरत तापे याद रख लीजिए राजकोट ए राज <laughs> शाहरुख खान राज है ना और अजी और न्यारी रिवर के किनारे है राजकोट अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा बहुत गंदा गाया हमने पर कोई बात नहीं सॉन्ग फोकस नहीं करना है हमको अगर आपको ये सॉन्ग पता है अजी रूट कर अब कहाँ जाइएगा तो राज के लिए कोई गा रहा है अजी रूट कर अब कहाँ जाइएगा राज गा रहा है किसी के लिए ऐसे कर सकते हो है ना या अजी अजी होता है साउथ में राजकोट राजकोट आजी या न्यारी बड़ा न्यारा नाम नहीं है ये राज बहुत कॉमन नेम है न्यारी से भी कर सकते हो ओके okay? सो so, एक तो ये हो गया और अब लास्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं आई एम टेकिंग इट वेरी लाइटली रीजन बींग जितना फ्री माइंड होकर के पढ़ोगे ना इन टेक्निक्स को उतना ज़्यादा सेटल होंगी दिमाग में विजुलाइज करते चलो मस्ती करके याद करते चलो एग्जाम में याद आ जाएगा हैप्पी हॉर्मोन जब होते हैं ना बॉडी में तो आपकी मेमोरी भी अच्छी होती है ये सारी असोसिएशन uh, अच्छी बनेंगी आपकी अब आ जाते हैं हम ओडिशा ओडिशा में राउरकेला राउरकेला ब्राह्मणी नदी ब्राह्मणी रिवर तो देखिए ब्राह्मण लोग जो होते हैं जब पूजा पाठ होता है ब्राह्मण लोग प्रसाद वगैरह जब देते हैं तो उसमें केला केले का प्रसाद भी मिलता है केक कट करके केले के पीसेस होते हैं है ना पंजीरी केला एन है तो रावर केला में केला ब्राह्मण लोग अक्सर पूजा में रखते हैं और केले का पत्ता भी रखा जाता है ब्राह्मण लोग पूजा में रखते हैं तो रावर केला और ब्राह्मण को एसोसिएट कर लीजिए फिर तेलंगाना में हैदराबाद मूसी हैदराबाद मूसी मेरी एक मौसी रहती है हैदराबाद में क्या बोलते तुम ही तुम्हारी मौसी रहती है जी ठीक है मूसी मौसी से मूसी कर सकते हो फिर हम आते हैं आंध्र प्रदेश नेल्लोर पेन्ना मिलते जुलते से आए नेल्लोर पेन्ना पता नहीं क्यों मुझे मिलता जुलते लगते हैं सो यू कैन डू इट यू कम ऑन नेल्लोर पेन्ना नेल्लोर पेन्ना कुछ तो भी है इसमें जो कि मुझे मिलता जुलता सा लगता है फिर केरला की हम बात करें तिरुवनंतपुरम कैपिटल केरला तिरुवनंतपुरम हमने बोला कर्मना कर्मना तिरुवनंतपुरम तीर मारे हम तुमको तीर तिरुवनंतपुरम करमना नहीं भैया नहीं 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 हम करेला खा लेंगे हमको तुम्हारा तीर नहीं चाहिए ऐसे करके आप कर्मना याद रख सकते हो और तमिलनाडु मदुरई वे गई मधुरई वे गई मधुरई बह गई मधुरई वह गई रिवर सो so, ये भी याद आप रखेंगे एंड विद दिस वी आर डन एंड आई है कभी कभी ऐसे ही छोड़ देते हैं आज बख्शा आपको आज कोई ज्ञान की बात नहीं करेंगे मजे करो खुश रहो टेक अ ब्रेक पढ़ लिया ये, तो रिविजन कर लीजिएगा पी मिल जाएगा एंड जल्दी ही मिलते हैं किसी और के साथ तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योअर सेल्फ बाय बाय